हाय क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को ना समझेंगे, फिर इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। सुनो, एक सर्कल है, अभी आगे पढ़ता हूं। एक सर्कल है, अब इस सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स हम बना सकते हैं, हमें पता है। और लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। तो बेटा ये एक टेंजेंट बना दी, एक टेंजेंट ये बना दी, ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। ठीक है जी, से दिस एक्सटर्नल पॉइंट इज ए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी एंड अनदर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज बी। तो इनके बीच में एक एंगल बनेगा। ठीक है, टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होगा टू द एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड का मतलब होता है बनाना बाई द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बेटा ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, इसको भी ज्वाइन कर दो। ये लाइन सेगमेंट है जिसकी वो बात बोल रहा है। तो ये लाइन सेगमेंट और एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो टेंजेंट के बीच में ये वाला जो एंगल बनाया, और ये जो लाइन सेगमेंट इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये सेंटर पे एक एंगल बनाएगी। ये बनाया इससे सेंटर पे एंगल। ठीक है, इफ दिस इज सेंटर, तो बेटा ये एंगल वन और ये एंगल टू, इनका सम 180 डिग्री दिखाना है। बस ये क्वेश्चन है, दोबारा बता देता हूं। एक सर्कल है, इस पे हमारा ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट बनाई, यहां से एक टेंजेंट बनाई, दो लाइनों के बीच में एक एंगल बना। इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हमने ज्वाइन किया, तो ये लाइन सेगमेंट जो है सेंटर पे एंगल बना रही है। लाइन सेगमेंट सेंटर पे एंगल बना रही है, तो ये जो एंगल होगा टू किसने बनाया, लाइन सेगमेंट ने, और टेंजेंट्स के बीच में ये एंगल, ये 180 डिग्री दिखाना है, इसलिए मैंने इसमें टाइम लिया। देखो कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा इसका प्रूफ है। ठीक है, बस आपने लिखना कुछ नहीं, आलतू फालतू टू दी पॉइंट बात करेंगे। मैं वन और टू क्वेश्चन में एंगल्स के नाम डाल देता हूं जिससे हमारा टाइम बचेगा। तो आपने सीधा एग्जाम में लिखना है एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल्स टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री दिखाना है। समझ में आ गया। अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से देखना। ये एपी और पीबी सर्कल को टच कर रहे हैं कहां पर, पी पर और बी पर, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। एंड वी नो दैट एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये थ्योरम मैंने आपको प्रूफ कराई थी। तो जहां जहां पेन चल रहा है बहुत ध्यान से देखो बेटा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इसको भी मैं जरा 3 डाल दूं और इसको भी जरा मैं 4 डाल दूं। अब फिगर में बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ए पी ओ बी, क्या क्वाड्रिलेटर नहीं लग रहा आपको, लग रहा है तो लिखो डायरेक्ट आप, क्या इनका डरना है सर। देखिए इन क्वाड्रिलेटर, इन क्वाड्री मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन क्वाड्रिलेटर ए पी ओ बी। ठीक है बेटा, सिंपल लिखो एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल टू प्लस एंगल फोर इक्वल्स टू व्हाट, 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हो गया। देखो एंगल वन हमें दिखाना है, एंगल टू हमें लाना है ना यहां पर, ओके, एंगल थ्री और एंगल फोर, बेटा 90 डिग्री है। ठीक, सब्सट्रैक्ट करके दिखाओ, तो यहां पर हम दिखा सकते हैं एंगल थ्री की जगह 90 रखेंगे, एंगल फोर की जगह 90 रखेंगे, 90 कितना हो गया बेटा, 180 हो गया बेटा। ठीक है, आप तो होशियार बच्चे हो, समझ में आ रहा है ना। ये 180 डिग्री जाके उधर माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ गया। और लिख के दिखा दो टीचर को, देयर फोर करके लिख दो, एंगल वन का नाम कितना है, पी ए बी, पी ए बी एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट प्लस एंगल सबटेंडेड बाई लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, एंगल ये आ गया। इसका नाम क्या है, पी ओ बी, पी ओ बी। बेटा ये कितना दिखाना है आपको, सप्लीमेंट्री दिखाना है, काहे की टेंशन लेनी, क्यों लेनी। ठीक है, इस तरीके से फिगर बनाएंगे, ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे, करके आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को भी मोटिवेट करो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड लक।